हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रोस्टेड चटपटे मसालेदार मखाने, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हो और बिना व्रत के भी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। रोस्टेड मसाला मखाना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी मखाने लिए, एक चम्मच देसी घी, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, एक चौथाई चम्मच काला नमक, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर या अपनी स्वाद अनुसार, एक चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो काला नमक चाट मसाला आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम मखाने बनाने के लिए गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में घी डालेंगे और देसी घी के गर्म होते ही हम इसमें मखाने डालेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये भूनते हुए मखाने जो है वो थोड़े से कुरकुरे ना हो जाएं और अपना हल्का सा कलर ना चेंज कर दें। इन मखानों को देसी घी में भूनते हुए मेरे किचन में पूरी देसी घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करोगे ना, आप खुद देखोगे। और मसालों से बने हुए ये चटपटे मखाने, वाह क्या कहना। चाय के साथ या बिना चाय के भी आप इसके मज़े ले सकते हैं। इस रेसिपी को घर पर बनाइएगा ज़रूर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये मखाने आपको खाने में कैसे लगे। अभी हमारे मखाने भुन चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये भुनते हुए कितने कुरकुरे हो गए, इसके बाद से आपको पता चलेगा। ये देखिए एकदम कुरकुरे हो चुके हैं। बस अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे, अभी हमने थोड़ा सा लो से ऊपर रखा हुआ था। और अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे सेंधा नमक, स्वाद अनुसार जैसा भी आप फ्लेवर खाते हो नमक ज़्यादा का, एक चौथाई चम्मच काला नमक, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला इसको एक चटपटा सा फ्लेवर देगा, और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे मसाले डालते ही और उसके बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारे मखाने मसालों में मिक्स हो चुके हैं। तो लीजिए, हमारे चटपटे रोस्टेड मसाला मखाना तैयार है। इस रेसिपी को घर पे जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये मखाने आपको खाने में कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।